अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के आसाब को हम हर जगह दावत इस अंदाज़ में देते हैं कि हम शैतान की तरफ से मुसय्यन करके हमारे सामने रखे जाने वाले अमाल को इंतहाई अच्छा समझ बैठे हैं और गर्क हैं अपने काले करतूतों में। देख लीजिए, आपको अंदाज़ा होगा दोस्तों, ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है जहाँ ये सब चल रहा है। यकीन कीजिए कि हमें भी यकीन नहीं आया, लेकिन आपके सामने वीडियो रखना लाजिम है। तो प्यारे दोस्तों, ये सब चल रहा है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में। छोटी छोटी बच्चियों को, इस कौम की बहनों बेटियों को टैबलोस के नाम पर, टैलेंट के नाम पर कुछ भी करने के लिए छोड़ दिया जाता है। उनसे किसी भी किस्म की बुराइयां करवा ली जाती हैं। इस सब चीज़ को नाम डिफरेंट दे दिए जाते हैं, मगर हमारे यहाँ कमज़र्फ असातिज़ा हमारे मुँह पर तमाचे रसीद करते हैं। यह निज़ाम तालीम हमारे लिए ज़िल्लत का सबब बन रहा है। हमारी बहनें बेटियां, हमारी बच्चियां म्यूज़िक से, बुराइयों से मानूस हो जाती हैं। उनके सामने अच्छाई और बुराई की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। अल्लाह पाक हमें समझ और सोच अता करे, हम सब को राह हिदायत नसीब करे। अपनी औलादों के मतलब सोचा कीजिए कि जिस स्कूल और कॉलेज में आप उन्हें दाखिल करवा रहे, एडमिशन उनका करवा रहे हैं, क्या वो इस काबिल भी हैं? हम वाकई में दुनिया के पीछे पड़ चुके हैं। हम कहते हैं मॉडर्न पन, बस इंग्लिश आ जाए, ज़बरदस्त बोलना सीख जाए, चाहे दीन के मामले में वज़ीरो हों। काफिरों की तरह हम दुनिया के पीछे ही भागेंगे, यकीन मानिए हमारा अंजाम भी कोई अच्छा नहीं होगा। हमारी औलादें ख़राब होंगी तो हम भी बर्बाद होंगे, बजाय इसके कि औलादें हमारे लिए सदका जारिया बने, हमारे लिए आज़ाब का बाइस बन सकती हैं। आज की वीडियो पर राय दीजिए दोस्तों, इसे आगे भी शेयर कीजिए। सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन।